ये क्या हो गया हमारी गाड़ी के साथ, पूरी सिल्ली बनी है। ओके 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 ऐसे अंदर सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और नए दिन की शुरुआत हुई है हमारी इग्लू में। और रात को उड़ती तगड़ी वाली स्नोफॉल, बाहर दो दो फुट बर्फ पड़ी हुई है। मतलब मैं अभी बाहर गया था, मेरे को ना बड़ी तो सुस्सू आ रही थी, सही बताऊं तो बाहर निकला फटाफट से अंदर आके बैठ गया, अभी तक स्नोफॉल हो रही है, पूरा जूता बर्फ के अंदर चला गया था। लेकिन अच्छा आओ आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। तो रात को जो स्नो पड़ी हुई थी ना वो यहाँ तक थी, अभी देखो मेरा पैर कहाँ तक अंदर जाएगा। ये देखो भाई इतनी स्नो रात को पड़ी है, मेरा पूरा शूज अंदर है। तो अभी मेन सीन ऐसा है ना, जो ऊपर जाने का रास्ता है ना आधा किलोमीटर का, पूरा बर्फ से ढक गया होगा, तो पहले उसको क्लियर करना पड़ेगा तभी हम घर जाएंगे। लेकिन अभी हमारा चाय का टाइम है, चाय पियेंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद ही निकलेंगे। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? एकदम बढ़िया, मजे में। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग बाय। तो ये भाई साहब सुबह 7:30 बजे उठ के मेरे कह रहे बाहर आ जा नजारा देख, मतलब भाई नींद तो पूरी होने से, अरे भाई मजा आ गया इतनी स्नो ये वो, मतलब तू घूम के आई, घूम रहा 7:30 बजे का, अभी 10 बज चुके हैं, मजा आ रहा है। एक मेन चीज आपको दिखाता हूँ, ये सामने झूला देख रहे हो, ये वही झूला जो हम कल खा रहे थे, और इसके ऊपर स्नो देखो, रात को इतनी ज्यादा स्नोफॉल हुई है, पूरा भर गया स्नो से। भाई अभी खाना हो तो कैसे खाएंगे इसको? नहीं खाएंगे अभी, कैंसिल नहीं खाना। तो यहाँ आ चुकी है हमारी गर्मा गर्म चाय। एक चीज और दिखाऊं, ये देख रहे हो ये पानी का कैन है जो रात को बाहर रखा था, बेचारा पूरे का पूरा गायब ही हो गया, नलका भी बर्फ में हो गया, ये इतना हवा में था, ये देखो सारी बर्फ ही बर्फ। ये वो टेबल है जिस पर हम कल लंच कर रहे थे, और इसके आसपास चेयर भी है जो पूरी बर्फ से ढक चुकी है, और टेबल के ऊपर देखो कितनी बड़ी लेयर है। भाई कल ना मेरा इसके अंदर ग्लास रह गया था यार, अब कैसे ढूंढूं? आ जा भाई, नहीं मिल रहा मजाक कर रहा हूँ यार अपना ना दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफात चलता रहता है, साथ में स्नोफॉल, साथ में ऐसे नज़ारे, मिलेंगे कहीं किसी को? नहीं, नहीं मिलेंगे, हमें ही मिलेंगे, हमें मिलेंगे। चेयर्स भाई, चेयर्स। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ आज तक का सबसे मुश्किल टास्क करने के लिए। मुश्किल टास्क क्या है, मेरे पेट में ना गुड़ गुड़ हो रही है तो वॉशरूम जा रहा हूँ। दिक्कत वो नहीं है कि कर लूँगा, उसके बाद जब धोनी पड़ेगी ना इतनी ठंड में भाई, सोच के मेरे को ऐसा हो रहा है, लेकिन ठीक है यार जाना तो पड़ेगा ही, जो काम है, मतलब इतनी बर्फ पड़ रही है तो कोई काम थोड़ी छोड़ सकते, जो करना है वो तो करना ही है। तो भाई अभी सीन ऐसा है, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, ब्रेड जैम था, ब्रेड बटर था, खा के एकदम पेट फुल, अभी ऊपर जाने की तैयारी है, स्नोफॉल अभी भी हो रही है, और मैंने ये वाली ड्रेस पहन ली क्योंकि इसमें फोटो बढ़िया आने वाली है। और भाई कैसे हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या ही मौसम करा दिया ये मजेदार वाला, आप आते ऐसे ही करते हैं जब भी मैं जा पिछली बार भी मैं यहाँ आया था ना स्नोफॉल चालू हो गई थी, इस बार आया अभी तो ऐसा हो रहा है जहाँ जहाँ जा रहे हैं, मतलब स्पीति गया वहाँ स्नोफॉल, रस्ते में आ रहे वहाँ स्नोफॉल, मनाली आते ही स्नोफॉल, यहाँ आते ही स्नोफॉल। तो अभी नीचे से कुछ गाड़ियाँ ऊपर आ रही थी तो खबर आई है कि रास्ता क्लियर नहीं है, तो देखते हैं हम थोड़ा नीचे जाएंगे वो थोड़ा ऊपर आएंगे, रास्ता हमें क्लियर करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। इतना बड़ा खड्डा डाल दिया हमने। तो भाई अभी इसके अंदर मैं कूदा धाएं करके, और ये देखो कुछ ऐसी हालत हो गई, अभी दिखाता हूँ आपको वो वाला सीन हुआ क्या था। तो कुछ ऐसी हो गई अपनी हालत, हर जगह बर्फ ही बर्फ है, बाहर जाते हैं फोटो खिंचाते हैं, अंदर फटाफट भाग के आते हैं बुखारी के पास, शरीर गर्म करते हैं, फिर जाते हैं एक रील बना के आते हैं, बार बार ऐसे ही कर रहे हैं। मैक्सी देखो लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं ना जो हर कोई नहीं ले पाता, हम ले रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, हमारे थ्रू आप भी ले रहे हैं। मेरे को पता है जो ठंड हमें फील हो रही होगी, जो मज़ा हमें आ रहा होगा उतना नहीं आ रहा होगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा। तो अभी जब हम जा रहे थे ना तो बर्फ़ की लेयर यहाँ तक थी, अभी देखो यहाँ तक बन गई है, मेरे घुटने से ऊपर है,
और ये अभी एक रात की बर्फ है, सोचो तीन चार दिन ऐसे ही पड़ती रही तो क्या होगा। थोड़ा स्लो मोशन में दिखाएंगे ताशी भाई, रेडी? भाई कहाँ चले गए? चश्मे अंदर भाई, चश्मे अंदर रह गए हैं। इनके ब्लैक कपड़ों का हाल देखो, वाइट भालू। देखो मैं बताता हूँ होता क्या है ना, बंदे स्नो में आते हैं, स्नो से डरते हैं। डरो मत, जिस नेचर में जा रहे हो, जिस जगह जा रहे हो, उसको फील करो। फील करोगे ना तो वो भी आपको नहीं डर आएगा, आपको भी डर नहीं लगेगा। बहुत गहराई वाली बात है, समझ आ जाए तो बढ़िया, नहीं तो तब भी बढ़िया। तो भी रस्ते से आते आते ये वाला ट्री दिखा, पूरा का पूरा स्नो से भरा हुआ। अब खुराफात आती है ना अंदर से कि हल्का सा हिलाओ, हिला भाई, स्नो ही स्नो, पूरा का पूरा स्नो से भर गया हूँ। देखो यही है एडवेंचर। ओ भाई पैर अंदर जा रहा था, यही है एडवेंचर, यही है जन्नत। जिस चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है ना, बस वही है सब कुछ। तो ये हमारे ताशी भाई का बोर्ड है, किसी को भी नंबर चाहिए, कुछ भी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है। गाड़ी दिखा दो अपनी, ये हमारी गाड़ी है जो कि नज़र ही नहीं आ रही है। ओए तू कहाँ जा रहा है? ओए ये क्या हो गया हमारी गाड़ी के साथ? तो भाई ये है अपनी कुछ गाड़ी का हाल। कहाँ तक बर्फ है, कहाँ तक दिक्कत आती है डीजल वाली गाड़ियों में। जो डीजल गाड़ी होती है ना, उनमें कह रहा था कि भाई जम जाएगा डीजल, पेट्रोल जमने की टेंशन नहीं है। बैठने की एक नाकाम कोशिश। ऐसी लेट पीछे को गाड़ी, जब तक आगे से कुछ दिखेगा नहीं तो गाड़ी कैसे चलाएंगे? तो पहले शीशा साफ करना पड़ेगा, उसके लिए ग्लव्स पहने, हाथ ना ठंडे हो जाए। पूरी सिल्ली बनी है। ओ वन टच रेडी। हमारी गाड़ी को सांस लेने की जगह भी तो चाहिए। एवलांच भाई साहब, फंसने वाले चांसेस है, मतलब फुल एडवेंचर होने वाला है। तो अभी एक गाड़ी फंस गई आगे, जिसकी वजह से हम आगे नहीं जा पाएंगे। तो देखते हैं पहले वो गाड़ी को निकालेंगे, मतलब हम नहीं, हमारी गाड़ी वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी, बिकॉज हमारे आगे भी एक गाड़ी है। तो किस तरह उस गाड़ी को निकालेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। स्नो देखो भाई, यहाँ से गाड़ी जाएगी हमारी, यहाँ से। तो ताशी भाई अपनी गाड़ी लेके आए थे, लेकिन पहले ही गाड़ी निकल गई। ताशी भाई बचाने आए थे, खुद ही अपनी गाड़ी फंसा के बैठ गया। ताशी भाई को धक्का लगाएंगे। पैर बचाना। बस चलो जान दो, पीछे जाने दो। भाई ये हो रहा है असली एडवेंचर, मतलब आज हमने स्पीति को भी फेल कर दिया। स्पीति में स्नो थी, लेकिन इतनी फ्रेश स्नो पे हमने गाड़ी नहीं चलाई थी। थैंक यू। एक वो की साथ में रखना ज़रूरी है, कहीं हम फंस जाएं या वो फंस जाएं। और अभी क्या, एक गहरा सा खड्डा आया गाड़ी के ऊपर ना, स्नो ही स्नो है और सारी की सारी स्नो अंदर, शीशा खुला हुआ था। सामने से एक गाड़ी आ गई थी, इसलिए हमें साइड लगानी पड़ी।
ये वाली स्नो चैन बढ़िया होती है क्या? हाँ, ये बढ़िया है। चलो इतनी बर्फ है जिप्सी में भी स्नो चैन लगानी पड़ रही है। चलो बाय बाय। ओके बाय बाय, एंजॉय। सोचा था खाली इग्लू में रह के आएंगे, यहाँ तो एडवेंचर करने को मिल गया। स्पीति से भी ज्यादा। टायर के रिम में देखो कितनी बर्फ है। किटो, ओ किटो, इधर। ये हमारा नया दोस्त जो जाते टाइम भी मिला था, आते टाइम भी मिला। किटो है इसका नाम। हेलो कुत्ते को। एकदम ठंडा ठंडा सा हो रहा है ये, है ना? पहले मैं सोचा था अपने कोको को भी यहाँ पर ले आता हूँ, फिर मेरे को लगा ठंड में रह पाएगा नहीं पाएगा, लेकिन इसको देख के लग रहा रह पाएगा। बाल देखो ना इसके कितने बड़े बड़े से है। ओए किटो, किटो कहाँ घूम रहा है बर्फ में? इसको देख के बड़ी खुशी हो रही है, मतलब बर्फ में रह रहा है इतने आराम से। और अभी सामने का व्यू दिखाऊं, पूरी स्नोफॉल। नजारा साथ साथ लेके आ रहे हैं। हम आए थे अपने कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए, जो रेड ड्रेस पहनी हुई थी, शूज वगैरह जो हम यूज कर रहे थे वो यहाँ पर छोड़े। अभी चाय पकौड़ा खाएंगे। देखो टाइम अपने पास अनलिमिटेड है, मजे लेते हुए जाएंगे। ऐसा नहीं कि भागा दौड़ी कि वहाँ आया हाथ लगाया, मतलब हमारा वहाँ रहने का मूड नहीं था, लेकिन देखा स्नोफॉल हो रही है, मूड बना लिया। शानदार। ऐसे मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए और क्या चाहिए। तो हमारे ताशी भाई का सफर यहीं तक था। चलो भाई फिर मिलते हैं। बहुत बढ़िया लगा, पकौड़े बहुत बढ़िया थे। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू फॉर कमिंग। अरे थैंक यू। चल भाई ठीक है, ठीक है। इसको बाइक आने का टाइम, और गुरुजी ने आज छुट्टी करी हुई है बिकॉज ऑफ स्नोफॉल। बाइक निकलनी नहीं थी तो गुरुजी से घर जाके मिलेंगे। चल बाय बाय। बाय बाय। तो सामने एक गाड़ी नाली में चली गई है स्लिप होके। खींचो चलो। ओ रुके 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 रुके, बम्पर आ जाएगा बाहर। ओके ओके ओके। कसम से कह रहा हूँ, कहते ना आपकी लाइफ के कुछ अच्छे पल होते हैं जो हमेशा याद रहते हैं। मैं अभी वो वाले पल जी रहा हूँ जो मेरे को हमेशा याद रहने वाले हैं। साथ में YouTube पे वीडियो भी डाल देता हूँ कि जब मैं थोड़ा बोर हूँ, मेरा घूमने का मन है, अपनी वीडियो खुद ही देख लेता हूँ कि हाँ भाई बर्फ में गए थे, एडवेंचर किया, तगड़ा ही आतंक मचा दिया। भाई बाहर का मौसम एक नंबर हो रहा है। मेन चीज आपको ये दिखानी है, इनको देखो। ये क्या किया हुआ है? जुराबों के अंदर पजामा फंसा रखा है। हवा अंदर जाती है ना। अच्छा हवा ना जाएगा अंदर। फिर बीबी चलो चलो अक्की को बर्फ में फेंकेंगे। वन कुछ असर नहीं। टू थ्री। ये नहीं आया। करीब आगो अंदर ठंड है। पहुंच गए हम हमारे रूम में, और रूम एकदम साफ सुथरा। घर जाते जाते मैं चाबी मनीष को दे गया था, मैंने उसको बोला था एक बारी क्लीन कर दियो। और बाहर का कुछ नजारा जो नीचे से देखने में मजा आता ना, ऊपर से अलग ही लेवल का होता है। कल शाम से स्नोफॉल चालू हुई थी, आज भी पूरा दिन होनी है, कल भी पूरा दिन होनी है। सही है यार, जितने दिन मैं यहाँ पर हूँ स्नोफॉल ही रोज़ ही स्नोफॉल देखने को मिल रही है। बाकी ठीक है, इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। होप करते हैं आपको मज़ा आया होगा। देखो मुझे मज़ा आता है एडवेंचर करने में, और आपको मज़ा आता है वो एडवेंचर देखने में। तो बस अपनी जोड़ी सही जम रही है, मैं करता रहूँगा, आप देखते रहेंगे। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। और सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन होता है, दबा लेना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम से आ जाए जब हम वीडियो अपलोड करें। मिलते हैं किसी बड़े से वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ। अब शोहरत पाली मैंने, दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।